हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ था। हालांकि ये योजना थी केवल जिन लोगों को पात्रता मिली हुई है, चाहे वो अंत्योदय कार्ड से रिलेटेड हों, या फिर उनका HHID में नाम हो, या फिर वो लेबर विभाग के अधिकारी हों। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, अब सभी का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। कैसे बनाना है? पहले ये होता था कि अगर आपका PM लेटर आया हुआ है, यानी कि आपका लिस्ट में नाम है 2011 की पात्र गृहस्थी में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। अब आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का बनवा सकते हैं आप लोग। पहले ये होता था कि जिन लोगों को पात्रता मिली थी, यानी कि जिनका HHID में नाम था, सिर्फ उन्हीं को, यानी कि लिस्ट में जो 2011 की जनगणना में पात्र पाए गए थे उनका नाम था, सिर्फ उन्हीं का कार्ड बन रहा था। या फिर BPL कार्ड हो, या फिर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर का कार्ड बना हो, उनमें कुछ लोगों को पात्रता दी गई थी, सभी लोगों को नहीं। लेकिन अब सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसमें 5 लाख रुपये तक का प्रतिवर्ष आप लोग इलाज का लाभ ले पाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि कौन से लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूज ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ABP लाइफ इंश्योरेंस अब पॉलिसी होल्डर्स का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। IDRA ने बीमा कंपनियों को दिया निर्देश। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से कहा है कि उनकी जो पॉलिसी वाले लेने वाले और मौजूदा होल्डर्स हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA ID बनाने होंगे। ABHA ID बनाने के बाद यहाँ पे बीमा कंपनियों से कहा है कि उन्होंने मौजूद पॉलिसी जो होल्डर्स हैं ABHA ID बनानी होगी। उसके बाद उनका जो यूनिक ID के तहत नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यह ID आपके हेल्थ का पूरा डाटा रखता है। साथ ही इसकी मदद से आप अस्पताल में डॉक्टरों का चयन भी कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में लंबी लंबी लाइनें जो लगी होती हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। हेल्थ ID स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की ओर से लागू किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का हिस्सा है और सभी भारतीयों को कवर करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी ABHA ID होंगे सभी को आयुष्मान कार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म में ही मिलेंगे ID बनवाने की सुविधा, यानी कि आप जब बीमा की कोई कंपनी में बीमा करवाते हैं, फॉर्म खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर्म में ही ऑप्शन होगा कि आप मेडिकल रिकॉर्ड जो है अपना साझा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसकी सहमति आपको उसी फॉर्म में दर्ज करवानी होगी। इसके ABHA ID बनाने का कारण यही है कि जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनको पहचानने में, डिजिटली रूप से पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। और इसके बारे में अभी रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, आयुष्मान कार्ड कब से बनने लगेगा जिन जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।